जैसा मैंने प्लान बोला वैसी करने का। अरे हाँ बॉस, एक काम कर, यहाँ पर पेट्रोल भर और रिपोर्टी को घर को छोड़ के आ। बहुत नाक में दम कर दिया इतने, इससे दिमाग ख़राब हो गया। मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ टैक्सी करके। ओके बॉस। अरे बॉस एक काम था। क्या है वो? अरे अरे तेरी गांड उधर ले रहे। अरे टैक्सी, मेरी गैंग को पैसों की ज़रूरत थी। बाद में देता हूँ, पहले काम करो उसके बाद पैसे देते हो। और ये पोटे को ज़रा ध्यान से छोड़ के आ, बहुत मदोड़ा है इन्हें, कहीं भी जगह जगह पहुँचते रहता, ध्यान रखना अपना। आओ बॉस। अरे टैक्सी खाली है क्या? आओ जी साहब, खाली है। कहाँ जाना है साहब? अनभक्त नगर में। उधर की गली से लो ना मामू, उधर की गली से लो ना। क्यों रे, क्या काम है? अरे वहाँ पूड़िया मिलते। इतना सब होगा, तू सुधरा नहीं क्या रे भोसड़ी के? अरे नहीं जी मामू, रात को लगती पूड़िया। अरे तेरे को कितने बार समझाया रे मैंने, तेरे बाप ने भी समझाया ना, फिर और वही हरकत कर रहा क्या? उसके बाद बोला तो देख बेटा, तेरे पिछवाड़े पूरे गला दे तू। इतने बार खा लेता ना मामू, उसके बाद नहीं खा तू, मैं नहीं बोलू। अरे तेरे को नहीं समझ में आ रहा करे? अरे नहीं जी मामू, रोज की आदत है मेरे को, इसलिए मैं बोल रहा था तुमको। तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा, रोज कैसा होता मेरे को, अलग ही छोटा दिल में फोन ला के देंगे मेरे को, बोलो तुम। तू सुधरने वाला पोटा नहीं है रे, कितने बार भी समझाए तो नहीं समझ रहा। जा रू मैं काम से, और बीच में है ना घर के बाहर जवनों को। तुम जाओ, मैं जा रहा। बॉस को फोन करके बोल दो तू तेरे हरकत। आओ जाके बोल दो मैं जा रहा हूँ, अभी घर को जा रहा हूँ। चुप चुप बोलो, समझ में आ रहा क्या? जाओ। तेरे जैसे पोटे सुधरते नहीं रहे, पूरे फैक्ट्रियों को अंगार लगा दे तू। अरे कहाँ है रे फ्लास, बहुत दिनों के नहीं मिले। ज़रा वो बॉस की तरफ से काम आया, ज़रा मेरे घर को आओ, मैं घर कुछ पहुँच रहा हूँ। और अपने पूरे पट्ठों को लेके आओ बॉस। और क्या करो? अरे ईरानी होटल में से दो पाए के सालन लेके आओ ज़रा पार्सल। लेडी दिख रही? अरे अरे निकल, कहाँ देख जा रहे हैं? निकल रहे भाई, तू चलान दे मेरे को गाड़ी, ज़रा घर को जा रहा हूँ मैं, बुरी गत की। कहाँ है मियाँ, तुम्हारे से ज़रा काम है? अरे ज़रा मैं काम से जा रहा हूँ जी, थोड़ी देर से लगा तो गाड़ी ड्राइव कर रहा ज़रा। अच्छा ठीक है, फिर याद से लगाओ। चलो ज़रा घर को पहुँच के मुँह हाथ धो लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, फिर सुबह में काम को जाने का है दोस्तों को लेके। मम्मी मैं घर में आ गया। अरे रे क्या है ये? कौन है चिकना? मेरा बेटा है रे ये। ठहरो ठहरो, क्या है ये तमाशा? क्या तो भी कर रहे तुम घर में सब मिल के? कौन है और था? कुछ नहीं है रे बेटा, इसको किटी पार्टी बोलते थे, को नहीं समझता। ऐसे गंदे हरकत है तुम घर में ला के कर रहे, और ये औरतों को जमा कर दिया यहाँ पे, कहीं को लाए इनको? इन्हें बोली थी मेरे को, इन्हें समझाई मेरे को? मैंने नहीं बोली जी। अरे तेको नहीं समझता क्या तू? बुड्ढे टपरे हो रहे घर में बैठने का, तो यहाँ पर आकर रिकामे काम करते बैठे, किटी पार्टी करते किटी पार्टी। जान दो मैं जा रू भाई। और लाले चकते पांडा चकले मुंडू चक। अरे कैसा है मेरे दोस्त? बढ़िया भाई। अरे क्या हुआ? अरे इसको हाथ क्यों नहीं मिलाया? मेरे को हाथ नहीं मिलाने का? इसकी माँ मेरी माँ के साथ किटी पार्टी करते बैठी, देखो समझता? ये क्या करते बैठे घरों में, दूसरों के घरों में बैठने के बजाय अपने घरों में बैठते ना उन्हें। ए ते किसको बोल रहा था तू? देखो बोलू यार, किसको बोला? देखो बोलू यार, एक तो बेरोजगारी से पहले इनकम नहीं हो रही, और ऊपर से ये पूरे औरतें आके घर को बैठ गए। इसके घर का खा रहे हम? हाँ अरे इसके घर का खा रहे हम? बोल तू, तू बोल। ध्यान देना भाई, तू कहीं को टेंशन ले रहा, ध्यान दे, माफ कर दे। मैंने शुरू नहीं करा, इन्हें शुरू करा, मैं तो कुछ बोला नहीं था। अरे जान दे रे, मेरा पहले दिमाग खराब है। अरे बस हो गया यार, चलो इनिच कराना शुरू पहले। चुप चुप बैठ रहे तू, इनिच शुरू करा पहले, मैं को क्या मालूम था, इनिच शुरू करा, जा रहा हूँ मैं। अरे इधर कहाँ जा रहा? दोस्ती में ऐसे बात आना को करते जाऊँ? चल ठीक है जान दे, छोड़ अपन बॉस का काम करेंगे। अरे ये हुई ना बात, ये गुटके और शराब की फैक्ट्रियों को आग लगाने का, बॉस ने जैसा प्लान बताया वैसी करेंगे अपन। अरे हाँ उससे सही है, लेकिन वो फैक्ट्री वाला बहुत बड़ा अनभक्त है, ऊपर तक कनेक्शन है उसके गवर्नमेंट से। ऐसी जो इलीगल फैक्ट्रियों की वजह से गवर्नमेंट चलती है, और ये गवर्नमेंट इनको कहीं को नहीं उड़ाती, क्योंकि इनका पेट पलता और इन सत्ता में रहते, इनको पूरी फंडिंग होती। तो ऐसे फैक्ट्रियों को पहले से जड़ से उखाड़ दिए तो अपनी जनरेशन भी सही हो जाती और गवर्नमेंट भी सही हो जाती। मैं वो फैक्ट्री वाले से ज़रा पहले बात कर ले, तो मेरी पहचान का है। तुम बात करो, अगर उन्हें अनभक्तों को बुला दिया या गवर्नमेंट के किसी लोगों को बुला दिया, तो उसके बाद उसकी फैक्ट्री को अंगार लगा देंगे अपन। अरे ये गली में फैक्ट्री, राइट मारो, नहीं नहीं लेफ्ट मारो, अरे नहीं नहीं आगे मत लो, पीछे लो पीछे लो पीछे लो पीछे लो, अरे बिल्ली मरी, अरे बिल्ली मरी, अशुभ हो जाता। अरे एक से फैक्ट्रियों की वजह से इंसान मर रहे ना। हाँ ये गेट है देखो सामने, यहीं रोक दो गाड़ी, फैक्ट्री में जाने का ये रास्ता है।
आओ ये रास्ता है, अब ऊपर जाके सीधा उसका कैबिन है, देखो मैं वहाँ जाके बात कर दूँ। तेरा तुम गन वन अंदर रख दो, पहले बात करेंगे, नहीं माना तो उसके बाद ठोक देंगे साले को। ऊपर चढ़ते कि सामने च रूम है पीले कलर का, उसके अंदर कैबिन है उसका, होंगा उन्हें अंदर ही, मैं पहले बात करता हूँ। और यारा अनभक्तों के सरदार गुटका फैक्ट्री के मालिक क्या हाल है? साहब मैं बात कर बेटा, बीजेपी का आदमी हूँ। आजकल दो नंबर का बहुत खींच रहे थे। अबे इतना नहीं मिल रहा कमाने को। अरे तू क्या बात कर रहा है उसको इतनी मोहब्बत से, ये मोहब्बत के लायक है क्या साला? अरे नहीं जी मेरा दोस्त है वो। और भाई बहुत मस्ती पाएगा थे तुम। साहब मैं बात कर बेटा, एक बटन दबा जाना सारे अनभक्त और गुटका छाप यहीं आ जाएंगे, फिर तुम्हारे सबकी वाट लगा देंगे वो। अरे ये शोर कैसा है, लगता है मैंने बोल दिया सबको। मैं जरा नीचे झाके देखते कौन है तो जरा रुको। अरे ये क्या है, सारे अनभक्त आ गए, इन्हें बुलाया उसको, सबको इन्हें बुलाया था मैंने। अरे तेरी माँ की, तूने बुलाया? अरे ठोक दे साले को, जे हुन तो हिन, क्यों रे साले अनभक्त बुलाता है? ले ले साले ले मर। चलो निकलो जल्दी बाहर, गुटका फैक्ट्री को आग लगाने का और अनभक्तों को भी सबक सिखाने का है। बहुत ज्यादा अनभक्त है, जल्दी से फैक्ट्री को आग लगाओ। अरे फैक्ट्री का गोदाम कहाँ है? नीचे नीचे लेफ्ट साइड में। चलो जल्दी तेजी से। क्या हुआ? अरे अनभक्त है बाहर। अबे इसकी माँ क्या? फैक्ट्री में आना है तो डॉगी और मोडी कहना पड़ेगा। तेरी माँ की चल। ऐसे बहुत से अनभक्त है, और इनका क्या करना। अरे आगे से लिफ्ट लियो, लिफ्ट में रास्ता है। मूडी डॉगी हमारा नेता है, मूडी डॉगी हमारा नेता है। ठीक मान चल। क्या रे भाई अनभक्तों का बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे वो कहा डॉगी मूडी डॉगी मूडी। अरे चूतिया मरती नहीं, मुल्क पास होता नहीं, अब कैसा होना देश के नौजवानों का। यहाँ तक तार बिछा लिए लोगों ने। कहाँ है रे गोडाउन? नीचे लिफ्ट में, यहाँ आ गया। चलो फिर नीचे चलो जल्दी से। कहीं क्या आवाज आ रही रे? फैक्ट्री में रहना है तो डॉगी मोडी बोलना पड़ेगा, फैक्ट्री में रहना है तो डॉगी मोडी बोलना पड़ेगा। तेरी माँ का साले, क्या हालत कर दी नौजवानों की। पढ़ा लिखा नहीं करा। पढ़ी लिखी की बात नहीं है रे, हर पढ़ा लिखा अनभक्त नहीं रहता। फैक्ट्री में रहना है तो डॉगी मोडी बोलना पड़ेगा, फैक्ट्री में रहना है तो डॉगी मोडी बोलना पड़ेगा। अरे तुम्हारी माँ का सालो, ये गवर्नमेंट ने पूरे नौजवानों का खराबा कर दी। चलो रे जल्दी अंदर, लेफ्ट साइड में है। ये बोल डॉगी बोल। जल्दी से आग लगाओ ये गुटके की फैक्ट्री को, उसके पीछे भी अनभक्त है। आओ देख रहा हूँ मैं, कुछ पुलिस वाले भी मदद कर रहे हैं इनकी। बोलो डॉगी। चलो चल जाओ जल्दी, वो साइड में भी लगा दो पूरी आज। अरे भाई पुलिस भी आ गई। चलो निकलो जल्दी से यहाँ से। रास्ता क्लियर है, हम उधर से निकलते। चलो निकलो। अरे अरे ये अंगार मेरे को भी लग गई। अरे और कितने हैं तुम तो? बोलो डोगी मोडी डोगी। अरे तुम्हारी तो अनभक्त हो। चलो निकलो यहाँ से जल्दी से, बाहर मिलो मेरे को। अरे डॉगी बाबा ने हेलीकॉप्टर बुलाया। अरे ये कौन है पी के पड़ा तो गाड़ी में? कोई होगा अनभक्त, अपने को क्या है। तो चलो एक काम अच्छा हो ही गया अपने से, इतने से कुछ नहीं होता, और भी है ऐसे बिगड़े हुए लोग। अरे तो अच्छे लोग भी है ना यार वो दुनिया में। हाँ बात तो सही है। तो यार दोस्तों ये वीडियो बनाई गई है हंसी मजाक के लिए, किसी को हेट देने की ज़रूरत नहीं है।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, और वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें से कौन सा पार्ट्स आपको अच्छा लगता है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।